दिल्ली कांग्रेस के नए अंतरिम प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र कुमार ने चांदनी चौक से इंडी गठबंधन के उम्मीदवार जेपी अग्रवाल के नॉमिनेशन पर जीत का दावा किया। दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि हम दिल्ली की सातों सीट जीतने जा रहे हैं। दिल्ली की जनता इस बार कांग्रेस पर और इंडिया गठबंधन पर भरोसा करने जा रही है। चुनाव के बाद भाजपा के नेता ढूंढने से हाथ नहीं लगेंगे। इंडिया गठबंधन बीजेपी को इस बार कड़ी चुनौती दे रही है। ऐसे में इंडी बनाम बीजेपी से ये लड़ाई काफी दिलचस्प दिखाई दे रही है। इसी बीच हमारे संवाददाता ने देवेंद्र यादव से कुछ खास बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। आज आप लोग नॉमिनेशन करने के लिए जा रहे हैं और उस सीट से जिस सीट पर आपका हमेशा कब्जा रहा है, कैसे देख रहे हैं इस सीट को? निश्चित ही सिर्फ ये सीट नहीं, चांदनी चौक तो निश्चित ही हमारा कब्जा भी रहा है। माननीय जयप्रकाश अग्रवाल जी ने इसको पहले भी रिप्रेजेंट किया है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं जैसे आज पूरे दिल्ली में और पूरे देश में एक माहौल बदलाव का नज़र आ रहा है। मोदी जी के खिलाफ लोग वोट करना चाहते हैं, मोदी जी के जो झूठे वादे थे आज वो सब ओपन में आ गए, आज लोग उनसे सवाल पूछना चाहते हैं और वो बच्चे घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि आज कांग्रेस इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि जनता चुनाव लड़ रही है, और जब जनता चुनाव लड़ती है तो निश्चित ही बदलाव के लिए लड़ेगी। 4 तारीख को आप देखेंगे दिल्ली में, देश में इंडिया गठबंधन की मजबूत सरकार बनने जा रही है। इन सातों सीटों का आकलन कैसे कर रहे हैं आप? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पहली बार दिल्ली में गठबंधन में लड़ रही है। निश्चित ही 7 की 7 सीटें, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं कल भी 2-3 नॉमिनेशन में गया, अभी सवेरे भी मैं महाबल मिश्रा जी के नॉमिनेशन में गया था, और जिस तरीके का कोऑर्डिनेशन और आपस में एक एकजुट होकर जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा यकीन है कि हम सब जब मिलके लड़ेंगे तो सातों के साथ हम जीतेंगे। पार्टी के कुछ नेता नाराज भी नजर आ रहे हैं, लगातार इस्तीफे भी हो रहे हैं, उन सबको आप कैसे देख रहे हैं? नाराजगी किसी व्यक्ति से हो सकती है लेकिन पार्टी से किसी की नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कल हमने साथियों को बुलाया, सभी वहाँ पहुँचे, सब ने अपना समर्थन जाहिर किया। कल भी हमारा ऑफटेकिंग रहेगा ऑफिस में, तो उसमें भी देखिएगा कि सभी साथी हमारे वहाँ पर मौजूद रहेंगे। सर, एक के बाद एक इस्तीफे दिए जा रहे हैं, पहले उसके बाद मैंने कहा किसी का किसी व्यक्ति के साथ हो सकता है लेकिन पार्टी एकजुट है और एकजुट रहेगी। एक अहम सवाल है, कोरोना की जो वैक्सीन लगाई गई थी उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो था, लेकिन वो फोटो हटा लिया गया है क्योंकि खबर ये आ रही है कि कोरोना की वो वैक्सीन बहुत घातक साबित हुई है। अभी एक जगह से हटी है, देखिएगा सब जगह से हटेगी। इस तरह की तमाम जानकारियों से रूबरू होने के लिए पंजाब केसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।